के बाद मेरा वेट आ गया है 60.9, अब वेट है हमें 59. A few moments later. Hi guys, welcome back to my channel vlog. Sorry. And आज है फ्राइडे और आज लगनी अंकिता को मेहंदी. मैं रात को वापस आके कॉल्स ले रही थी, काम कर रही थी और अभी मैं दोबारा निकल गई हूँ सुबह फटाफट पैकिंग करके अंकिता के घर के लिए. मुझे पहले उसको रेडी करना है, मेकअप करना है और उसके बाद जाके मैं अपने आप को शिफ्ट करूंगी क्योंकि मेरे को 3 दिन लगातार गुड़गांव में रहना है. सो मैं शिफ्ट करूंगी खुद को, लाइक मैं रहूंगी, मैंने अपने लिए एक होटल बुक करा है ताज, क्योंकि मेरी बैक टू बैक कॉल्स चलती रहती हैं और अगर मैं अपनी मम्मा हाउस जाऊंगी तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी काम करने को नहीं मिलेगा, ना मैं वहाँ पे कोई सिंगल कॉल ले सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेरे रिलेटिव सब आ जाते हैं. और ताज जो है अंकिता के घर से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव या फिर 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है. सो मुझे ये बड़ी सहूलियत लगती है कि हाँ आना जाना आना जाना आना जाना, और अगर नहीं जाएंगे तो वैसे भी वहाँ पे पंगा होना ही है. सो इससे बेहतर मैंने ये एक शॉर्टकट सॉल्यूशन निकाला है. सो मैं पहले यहाँ से जाऊँगी अंकिता के घर, उसको मेहंदी के लिए मेकअप करूँगी, रेडी करूँगी, उसके बाद मैं जब उसको मेहंदी लगनी चालू हो जाएगी फिर उसके बाद मैं ताज जाऊंगी, वहां पे मैं काम धाम अपना थोड़ी देर करूंगी 3 से 4 घंटे, फिर मैं रात को रेडी होके दोबारा अंकिता के पास जाऊंगी. सो या आज का ये प्रोग्राम है. सो अभी फटाफट मैं निकल चुकी हूँ, अंकिता के बैक टू बैक कॉल्स हैं और फटाफट मैं जाती हूँ सबसे पहले अंकिता के घर. सो यस मैं अपनी मेहंदी दिखाऊँ, बड़ी गाड़ी लगी है, पति है नहीं हमारे पास, पति नहीं हमारी मेहंदी कैसे गाड़ी चढ़ जाती है, पति वती है नहीं हमारे पास, समझ नहीं आता यार. मैं आ गई हूँ अंकिता के घर के बाहर और मैंने अभी तक वेट अपडेट चेक नहीं करे हैं, 2 महीने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जस्ट गिव मी अ कॉल डायरेक्टली. ओके सो अब मैं कौन आया नहीं आया, अब मैं फटाफट जाके इसको ना रेडी करती हूँ. मेरे पास मेकअप किट सब मैंने इकट्ठा कर रखा है, मेरा पावर बैंक, ओके तारे, ओके एंड मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाऊं. आई हैव दिस पूरा मेकअप किट, पूरा मैं रेडी करके बना के लाई हूँ इसके लिए. चलते हैं इसका मेकअप करते हैं फटाफट से, आ जाओ. परांदा लगाना चाहो परांदा तुमको रेडी करना. शी इज बैक ऑन हर ब्राइडसमेड ड्यूटी. मुआ मुआ सुमन सनशाइन मुआ. अभी पूरा लुक दिखाते हैं जो परांदा लगा के, बंद कर अभी तो इसको. मुआ सुमन मुआ वेलकम. रुक जा एक एक करके. मैं रेडी हो रहा हूँ मेहंदी के लिए, मेरी शादी हो रही है. ना मेरी हो रही है. परांदा नहीं दिख रहा है मेरा. परांदा दिखा देंगे, टेंशन मत लो तेरा परांदा. कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हार को? देख अब तो मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, चल तू बोल, चल चल. मेरी स्माइल लिपस्टिक अच्छी लग रही है. मेकअप किसने किया तुमने? तुम्हारा न्यू मेकअप आर्टिस्ट बताओ. ये कहाँ पहन दे मासी? अरे मेहंदी लगेगी अभी तो, आज तो फोटो तो खींच सकते हैं, बाद में उतार देंगे. मेकअप बाय मुआ प्रीति. अंकिता बैठ गई है मेहंदी लगवाने, मैं जा रही हूँ होटल में चेक इन करने, वहाँ पे मुझे कॉल्स लेनी है. मैं अब 3 घंटे बैठ के वहाँ पे काम करूँगी, मुझे वहाँ पे कॉल्स लेनी है और जो जिन लोगों का वेट अपडेट नहीं भेजते ना और मील के बच्चे से नहीं भेजते, मैं उनको नेक्स्ट वीक का डाइट नहीं भेजा. उनके फ़ोन आ रहे हैं जी, डाइट दे दो डाइट दे दो डाइट दे दो. तो मेरे को वहाँ पे घर वहाँ पे जाके उनकी डाइट्स बनानी है और हार्डली यहाँ से मैप पे 7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है जिस होटल में मैं स्टे कर रही हूँ. सो पॉइंट इसके फायदे का सौदा हो गया ना, आराम से बैठ जाओ वहाँ पे काम धाम करो अपना मस्त और फिर उठ के यहाँ पे आ जाओ, फिर शाम को जाके काम धाम कर लो, फिर उठ के यहाँ पे आ जाओ, तो पास है ना बड़ा. मेरा घर यहाँ से कितने दूरी पे है अंकिता के घर से? 45 मिनट्स अंदर ओल्ड गुड़गांव, तो इतना लंबा तो पंगा नहीं पड़ाऊंगी ना मैं. सो अभी होटल चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फ्रूश होते हैं और उसके बाद काम करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, तैयार होके आएंगे ताज की. सो ये वॉशरूम एंड ये रही मैं, अब मैं काम चालू करूँगी और ये रहा वर्क डेस्क बेड और बहुत ही सुंदर सा व्यू. सुंदर तो नहीं यार, मेट्रो है यार, यहाँ पे काय का सुंदर सा व्यू मिलेगा हमें बस. यस ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना सारा काम का सिस्टम ऑर्गेनाइज करूँगी क्योंकि अब मेरी कॉल स्टार्ट होंगी.
सबसे पहले मेरे पास है मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड, मेरा पावर बैंक, मेरा माउस और मेरे फ़ोन जिन पे मैं वेट अपडेट लेती हूँ बहुत सारे, वो है मेरे पास, ये रहे मेरे फ़ोन वेट अपडेट वाले, मेरा पावर बैंक। अब मैं चालू कर रही हूँ काम, एसी चल रहा, बहुत ठंड हो रही है, बंद करते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से पानी पीते हैं और फिर कॉल स्टार्ट करते हैं। मैं मिलूंगी शाम को अब आपको, अपना काम निपटा के यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे, काम करेंगे बहुत सारा, सबकी क्लास लगाएंगे और उसके बाद हम और काम करेंगे। Hi guys, शाम के बज रहे हैं 5, मैंने बहुत सारा काम किया, 15 मिनट का नाप लिया। आप मेरे बस की नहीं है सूट पहनना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं इतनी ठंड क्यों हो रही है। और मैं अब जा रही हूँ अंकिता के पास दोबारा, उसके फ़ोन आ गए हैं, कुछ होता है ना लाल और आई गेस कौन सा कलर, ग्रीन कलर की कुछ चूड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, कुछ पहनाते हैं या पहननी पड़ती हैं, पता नहीं वो जो भी होता है वो है कुछ। तो यस, ये मैं लगा रही हूँ एक लिप मॉइस्चराइज़र, क्या बड़े ड्राई लिप्स हो जाते हैं। मैं कोई मेकअप मूकअप नहीं कर रही, मैंने हेयर वॉश करना था, काम इतना ज़्यादा था, कॉल्स थी, मैंने हेयर वॉश नहीं करा। मैं जो करूँगी कल कर लेंगे हेयर वॉश सवेरे, मैं थोड़ा सा लाइनर मार लेती हूँ, थोड़े से अपने बाल भी ठीक कर लेती हूँ। वैसे हेयर वॉश की ज़रूरत लग तो नहीं रही, कल ही कर लेंगे जो भी है, ठीक है। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है, चलो कोई नहीं निकलते हैं बाहर। मेरे पास बड़ा पुराना शेड पड़ा है कोई, इसका लॉरियल का समथिंग लाइक ए न्यूड कलर, रेडी, हम रेडी हैं, बिल्कुल सिंपल सेटल और हम तैयार हैं जी, हम जा रहे हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दीप्ति जी, लेकिन अगर मील का पिक्चर गायब हुआ आप गायब मेरे बैच से, ठीक है। कितनी रोटी खा ली तुमने आज? मैंने कितनी खाई है, 1 2 3 रोटी खाई। क्या खाया? समोसे। समोसे भी खाए हैं शादी में, डाइट कल तक तो थी, अब 2 दिन बाद डाइट पे जाएंगे। और के घर से संगीत करके, अभी बज रहे रात के 10, मैं टाइम पे अपने रूम पे जा रही हूँ होटल में, घर के यहाँ से बिल्कुल 7 मिनट्स के गैप पे है, और मैं वहाँ पे जाके कॉल्स लूँगी और कुछ 3-4 काम है मेरे को मेल्स करनी है और फिर मैं टाइमली सोऊंगी कल सुबह अंकिता की हल्दी। सो यस, अभी मैं जाऊँगी अपने रूम पर, बहुत मज़ा आता है ना ढोलकी बजा के एंड प्रॉपर संगीत गा के। मैं पहले बहुत अच्छे से कर लेती थी, अब मैं भूल गई, ढोलक बजाना भूल गई, संगीत भी भूल गई, पहले बहुत पहले कर लेती थी 2013-12-10 तक, फिर उसके बाद मैं भूल गई, बट हाँ मज़ा आता है, वाइब आती है, फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। सो या, अभी मैं जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट, शी इज माई क्लाइंट अंकिता भारद्वाज। अंकिता आपकी शादी है आज, आप कैसे लग रहे हो? आप कौन सी गाली सुनेंगे, अच्छी वाली है बहुत गंदी। आपने मेरी फीस भी पे नहीं करी, 3 बार मेकअप हो चुका मैडम। एक गाना गाएंगे, शादी है भाई शादी है, शादी है भाई शादी है, अंकित अंकित साडा बोला बाला, अंकित शादी है भाई।